अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। हम लोग का स्वागत साहिल अफगान, और वीडियो है, एक मूवी है। अच्छा, एक गदर मूवी का जो है सॉन्ग है उजड़ा उजड़ा के ले कावा, एक हम लोग तो ऐसे ही बोलते, लेकिन उड़ जा उड़ जा के ले उजड़ा अमीशा पटेल है, उदित नारायण ने गाया है। तो वॉच करेंगे गर्मी है, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाए, और अगर हमें सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक इस बेचारे को कोई इसी तो लगवा के दे दो, समझे इतनी गर्मी है। साथ में अगर लिंक जो है इसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। Really? अच्छा, ये हम लोग इसको पश्तो में चका का बोलते हैं, इस तरह जो उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियां अंबिया ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां उधर आजा परदेसी। अच्छा, ये परदेसी के लिए ये इन दोनों को अलग करवा रहे हैं ना, फिर मैं स्टोरी बताऊंगा। परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी है। निशा पटेल इसका नाम, इसकी बीवी होती है। अरे कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसात, ओ घर तेरी नहीं एक जिंदगी आओ बच्चा का केवल के बेटे के बेटा होता है। अच्छा, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, दोनों मिल गए साथ। ये तो है रवि जान, ले जा मुझे परदेसी किसी दिली
घर निकाल दिया उसने। है खत्म हो गई कि तेरी मेरी एक ही जिंदगी। अच्छा तो ये था एक ही जिंदगी मतलब एक ही जिंदगी है मेरी। यस तो ये लिरिक्स थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया क्योंकि थोड़ा हिंदी उर्दू और पंजाबी मिक्स थी। पंजाबी तो नहीं था इसमें मेरे ख्याल से। जिंदगी मतलब ये जिंदगी या जिंदगी मेरी हम दोनों की जिंदगी कुछ और मतलब हो सकता है शायद कुछ और भी हो मुझे तो लगता है कि जिंदगी के बारे में। तो ये था गदर मूवी का सॉन्ग जिसमें अमीषा पटेल होती जो लोग पाकिस्तान आ रहे होते है ना तो अमीषा पटेल वहाँ पे रह जाती है फिर सनी देओल की मतलब उसके हाथ लग जाती है फिर शादी हो जाती है फिर सनी देओल उसको ले आते है उसके माँ बाप फिर ये लोग रोक देते है। ऐसा ही कुछ सीन है मैंने तो शॉर्टकट बता दी बता नहीं शायद ऐसा हो या ना। सॉन्ग बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया गया तो ये परदेश वाला गया ये बच्चा गा रहा होता है ना अपनी माँ के लिए तो फिर बाद में जब भी आते हैं तो फिर ये फिर से गा लेते हैं। तो उदित नारायण ने गाया हुआ था बहुत ही अच्छी आवाज है उनकी बहुत ही अच्छी आवाज है जो सॉन्ग था वो तो देख लिया के परदेश सनी बाजी तो कमाल का एक्टर सनी देओल इसके वक्त का। अच्छा इसको जो हमारा एक वो बनाया था वीडियो बनाई थी हैंडपम्प सीन वो तो इसी मूवी का था ना वो तो स्ट्राइक उन्होंने भेज दिया इस पर तो वो बहुत अच्छी वीडियो थी लेकिन नहीं वो लोगों ने जो है स्ट्राइक भेज दिया यूट्यूब वालों ने तो इस वजह से हम लोग इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे आइंदा। तो बाकी ये था गदर मूवी का सॉन्ग उजड़ा काले कवा उसकी जैसी थी ये क्या नाम है तो पाकिस्तान होता है ना लड़कियों की जो है नहीं नहीं वो नहीं नहीं सबका जो है वो इस तरह ड्रेस होता है वो राजस्थान की टाइप की जैसे ड्रेस होता है नहीं ये पाकिस्तान होता है पाकिस्तान में जो मतलब ये लोग आ जाते हैं तो ये तो है थोड़ा बहुत उस तरह अच्छा मूवी में इसी तरह था। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था हमें बहुत पसंद आया उम्मीद है भी सॉन्ग पसंद आए अगर लोगों को सॉन्ग पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए लाइक जरूर क्या करें पता चलिए अभी के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।